नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। चार दिन में दूसरी बार महंगी हुई सीएनजी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईजीएल ने दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। दाम बढ़ने से दिल्ली में सीएनजी का भाव 64.11 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। नए रेट आज से लागू हो गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान गठबंधन हौती समूह द्वारा सऊदी यमनी सीमा पर सैन्य अभियानों को रोकने के लिए संघर्ष विराम का स्वागत करने के बाद एशियाई व्यापार की शुरुआत में तेल की कीमतें गिर गई हैं, जिसने संभावित आपूर्ति मुद्दों को लेकर चिंताओं को कुछ कम किया है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 103.38 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, वहीं WTI क्रूड वायदा 98.43 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। दिल्ली में शराब बेचने वाले प्राइवेट दुकानदार अब सस्ते में शराब बेच पाएंगे। आबकारी विभाग ने शराब बेचने वाली निजी दुकानों को MRP पर 25% कीमत तक की छूट देने की मंजूरी दे दी है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की शराब से जबरदस्त कमाई हो रही है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदेश सरकार को शराब से हासिल राजस्व में 20.45% का उछाल आया है। राज्य के कुल राजस्व का करीब 10% हिस्सा शराब से हासिल राजस्व में आता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग की वजह से देश का गेहूं निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 1 करोड़ टन के पार जाने की उम्मीद है। गेहूं निर्यात 2021-22 में 70 लाख टन को पार कर गया था, जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा 21.55 लाख टन रहा था। कोरोना की चुनौतियों के बीच मोदी सरकार के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का वस्तुओं का निर्यात 418 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये सब संभव हुआ है पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रत्न एवं आभूषण और रसायन क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन से। आज MCX पर सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है, इसके पीछे ग्लोबल कारण है। वहीं MCX पर सोना आज 51,228 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर कारोबार कर रहा है। साथ ही चांदी 0.05% की गिरावट के साथ 66,701 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। हाल ही में भारत को रूस से सस्ते तेल का ऑफर मिला था। भारत ने भी उस ऑफर को स्वीकार किया था और रूस से तेल खरीदने की तैयारी भी कर दी है। वहीं भारत के इस फैसले की पश्चिमी देश आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा है कि भारत का ये फैसला निराश करने वाला है। कोयले की बढ़ती कीमत से परेशान ईंट भट्टा मालिक कोयले की जगह सरसों के भूसे से ईंट पका रहे हैं। भट्टा संचालकों का कहना है कि कोयले से पकी ईंट काफी महंगी हो जाती है और लोग ईंट खरीदने से बचने लगते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे पिछले 2 हफ्ते में कीमतों में कुल वृद्धि 8.40 रुपए प्रति लीटर हो गई है। सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 103.81 रुपए प्रति लीटर हो गई। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही। और बड़ी और खबरें और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।